जय किसान साथियों, मेरा नाम रतन सिंह है और आज आया हूँ मैं लग वैली में। हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर विशाल ठाकुर जी, उनसे मिलने। और यहाँ पर लगा हुआ है इनके पास, आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको झाड़ी नुमा दिख रही है, ये है ब्लूबेरी। दुनिया में सबसे महंगा कोई फ्रूट बिकने वाला है तो वो दोस्तों ब्लूबेरी है। और इसका रेट आपको मार्केट में अगर बेचते हैं तो आपको कम से कम ये 800 से 2000 तक का आपका ये फ्रूट बिकता है। और इसका एक सबसे खरीदने वाले अगर आप खरीदते हैं तो छोटे से छोटी पैकिंग भी आपको ये अगर 250 ग्राम आपको ये 500 से 1000 रुपये तक मिलती है। और आपको मैं पूरे वीडियो आप मेरे अंत तक जरूर देखना दोस्तों। जय किसान एचपी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं विशाल ठाकुर जी के पास। विशाल जी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद भाई जी। और दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ब्लूबेरी के लिए मैं थोड़ा सा ब्लूबेरी पर भी काम करना चाहता हूँ करूँ। मैं परसीमन पर भी काम कर रहा हूँ, मधुमक्खी पर भी, और साथ में मैं ब्लूबेरी को भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस साल से शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ सालों से सेब एक साल बहुत ज़्यादा आ रहा है और एक साल कम आ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। और रेट भी हमें अच्छे, कई बार ज़्यादा फसल होती है तो रेट नहीं मिलता है, कम फसल होती है तो रेट तो मिलता है पर कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। क्यों ना हम मल्टी क्रॉप पर जाएं। और आज मैं इसीलिए ब्लूबेरी पर बात कर रहा हूँ। विशाल जी, जो ब्लूबेरी है ये आपने कहाँ से लाई थी? सर जो ये हमारे पास ब्लूबेरी है, बेसिकली जो ब्लूबेरी प्लांट है वो बेसिकली है अपना यूएसए का। जो मेरे पास जो प्लांट है, मेरे पास यूएसए के भी है और प्लस यूरोप से भी हमने कुछ इंपोर्ट करी है। अच्छा, ये दोनों मतलब कॉन्टिनेंट से हमने इंपोर्ट करी है जी, अलग अलग वैरायटीज। और मैं अपनी बात करूं तो मेरे हाइट है 5500 फीट और मैं शेडी एरिया में, थोड़ा सा पाला भी पड़ता, तो मेरे लिए कौन कौन सी ब्लूबेरी अच्छी रहेगी? सर आपके लिए जो आपका एरिया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका जो एरिया आता है वो मीडियम चिलिंग के जोन में आता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें भी हमारे पास वैरायटीज है काफी जो मीडियम चिल में जो कि अच्छा परफॉर्म करेगी। हाँ, हाँ। जैसे अपने पास एक, ज्यादा नाम नहीं लूंगा मैं वैरायटीज का। हाँ, चलो, क्योंकि वो मैं उस हिसाब से ही सबको बताता हूँ। हाँ, एरिया के जैसे हिसाब से मान लो अगर आपका मेरे ख्याल में हमें 500-600 चिलिंग आवर बढ़िया रह रहा है। इसके लिए आप बेसिकली आप लगभग सारी ही लगा सकते हो वैरायटीज, जैसे मीडियम चिल भी और हाई चिल भी आपकी लग सकती है। अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। उसमें जैसे कि एक आधा मैं नाम ले लेता हूँ वैरायटी, एक लेगेसी वैरायटी मेरे पास है जो कि मतलब काफी अच्छी है, जिसमें मतलब प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होता है। अच्छा। जो इंडिया में भी जो लगी है तो उसमें प्रोडक्शन 12 किलो तक आ रहा है उसमें एक प्लांट में, जो कि 6 से 7 साल का प्लांट दे रहा है। अच्छी, हाँ जी। तो लेगेसी आप लगा सकते हो। उसके बाद हमारा ब्लू क्रॉप है, ड्यूक है, स्पार्टन है, सायरा है, मतलब ऐसे करके हमारे पास काफी वैरायटी। और दूसरा कोई अगर मित्र हमारा गर्म इलाकों में, जैसे खासकर जहाँ पर 100-150-200 चिलिंग आवर है, वहाँ के लिए? सर वहाँ के लिए भी हमारे पास वैरायटीज है, जैसे कि एक बिलोक्सी हो गई। अच्छी, बिल्कुल गर्म, जहाँ पे नो चिल है, चाहे वहाँ पे ठंड बिल्कुल भी ना पड़ती हो, वहाँ के लिए बिलोक्सी चलेगी। अच्छी। उसके बाद हमारे पास एक शार्प ब्लू वैरायटी है, फिर एक स्टार वैरायटी है, ये सारी कुछ वैरायटीज है और भी वैरायटीज है, तो ये सारी आप आराम से गर्म इलाकों में लगा सकते हैं। और सर सबसे बड़ी बात आती है इसमें, जैसे अब पीएच, इसका पीएच मैंने सुना इसका कम। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे हमारा ब्लूबेरी है तो ब्लूबेरी जब न्यूट्रिशन है वो तभी अपटेक करेगा, जब तक कि हम आपका जो पीएच है वो डाउन होगा। मतलब कि 4.5 से 5.5 के बीच होगा। के बीच में अगर इससे जैसे ज्यादा पीएच में अगर आप लगाते हो तो ये न्यूट्रिशन जो अपटेक नहीं कर पाएगा जो इसकी रूट्स हैं, तो इसमें ये रहता है, इसमें मेन है आपको आपका पीएच को डाउन करना। तो उसको डाउन करने के लिए काफी वेज हैं, जो मैं कर रहा हूँ, मैंने तो सल्फर डाला है, जो सल्फर रहता है गंधक जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी, वो फोटो भी डाल देंगे हम उसकी, तो मतलब दिखाने के लिए आपको, तो गंधक का यूज कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने अभी तक 2 बार इसका गंधक का यूज किया है। अच्छा, तो जो मेरा पीएच है वो आ रहा है मतलब 5.5 से 4.5 के बीच, मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है। हाँ। दोस्तों इसका जो इन्होंने मटेरियल बनाया हुआ है वो भी ये खुद बना करके बेच रहे हैं, किसी भाई को चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा जो इन्होंने इसके सॉइल तैयार की हुई है। और दूसरा इसके लिए न्यूट्रिएंट जो खासकर अपना न्यूट्रिएंट अलग से चाहिए होता है, तो वो इसको कौन कौन सी जैसे न्यूट्रिएंट ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी ऐसा है, देखिए जो भी प्लांट्स है हमारे, बेसिकली सबको माइक्रो और जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट और दोनों चाहिए होते हैं।
पर इसमें क्या रहता है ना, एक इसमें हमें एक मतलब रेशो होती है इसमें, तो उस रेशो के हिसाब से हमारे को पूरे का पूरा मैनेज करना पड़ता है इसको। तो एक मैंने ब्लेंड वैसे ही बना रखा है, अगर किसी को चाहिए होगा फर्टिलाइजर वो भी मतलब हम सेल कर रहे हैं सर। नहीं वो तो चाहिए चाहिए सर, क्योंकि वो बनाना भी तो पड़ेगा, यानी वो उसके लिए हम अगर बाय द वे लेना पड़ेगा तो कितना क्वांटिटी में? क्वांटिटी तो सर एक 1 kg भी आपको दे दूंगा, वो 500 का आपको 1 kg पड़ेगा। अच्छा हाँ जी, इसमें सारी जो भी फर्टिलाइजर है सारी इम्पोर्टेड है, बाहर से जर्मनी और इटली की मैं यूज करता हूँ। अच्छा, तो वही फर्टिलाइजर मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और दूसरा दूसरी बात दोस्तों, जो आपने न्यूट्रिएंट लेना है वो आप यहाँ से मिल जाएगा, और दूसरा आपको अगर इसके बारे में इसकी सॉइल कैसे तैयार करनी है, इनके यूट्यूब चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं और उसको आपको पता लगेगा कि हमें कैसे उसको तैयार करना है। और खाद का इन्होंने बता दिया कि हमें खाद इन्होंने मिला दी है, क्योंकि ये बहुत सारी खादों का एक मिक्सचर है, और जैसे कि भाई ने बताया कि इसके लिए इन्हें कम से कम जो खाद बनानी पड़ती है वो 1500 और 2000 रुपये किलो तक की खादें हैं जो इन्होंने मंगवाई है, और इसको यानी बहुत सारी खादों को आप मिक्स करके उसमें सर अगर ऐसा अगर आप खुद से अगर मैं आपको नाम बता दूं, खुद अगर लेने जाओगे अगर आपके थोड़े अगर आपके पास चलो 1000 प्लांट है तब तो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि 30-40 हजार रुपए की मतलब वो खाद पड़ती है, एक एक बैग अगर आप लोगे उसमें तो 30-40 हजार रुपए का तो आराम से पड़ता है, इसलिए इतना लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग में, अगर कोई 10 प्लांट वाले तो 20 या 100 वाले, इसलिए उनको ईज करने के लिए मैंने तो एक 500 रुपीज का 1 kg का पैक मैं मतलब सेल करता हूं सभी को जो भी लेता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कम रखा है वो। और आपने उसको मिला करके खुद क्या सारे रेशो मिला करके उसे पानी में अगर हम डालेंगे तो 1 kg कितने पानी के लिए होगा वो? 1 kg जो आपका होगा लगभग 1500 लीटर पानी के लिए, 1500 लीटर के लिए हमें यानी 1500 लीटर का रेशो बनाना पड़ेगा कि 1 kg 1500 लीटर में। और एक पौधे के लिए कितना लीटर चले चाहिए सर? इस ये डिपेंड करता है आपका, जैसे जैसे मेरा ये आप देख सकते हो सनी एरिया है, सनलाइट है, तो मैं पर डे लगभग 1 लीटर पानी दे रहा हूँ अपने इन प्लांट्स को। अच्छा, और जैसे कि अगर मान लीजिए थोड़ा शेडी पोर्शन है तो आप एक्चुअली देखना पड़ेगा हमारे को मीडिया को नीचे, अगर ज्यादा गीला है तो उस हिसाब से आपको अपना मैनेज करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, सूखा है तो आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। और दूसरा जैसे मैं मान लो आज ले रहा हूँ तो इनसे छोटे प्लांट ले रहा हूँ, तो छोटे प्लांट को मेरे को कितना देना पड़ेगा? छोटा प्लांट ऐसा सर देखिए, छोटे प्लांट को आपको करना पड़ेगा बड़े पॉट्स में उसको शिफ्ट। हाँ हाँ, आपको एक मैं प्लांट दिखा देता हूँ छोटा जो मैं इनको दूंगा, जैसे ये प्लांट है जी हमारा, ये देखिए अभी हाइट देख सकते हैं इसकी। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें जड़े भी आते हैं, ये बाहर आ चुका है। यानी इसे मेरे को ऐसे पॉट में आपको लगाना पड़ेगा, बड़े पॉट में डालना पड़ेगा। तो आप जो अगर जैसे न्यूट्रिएंट्स जो आप इसमें देंगे तो आप आधा लीटर से शुरू कर सकते हो पर डे पानी से, बाकी वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके मॉइस्चर कितना है आपकी सॉइल में या मीडियम में जो आप यूज करोगे, तो उस हिसाब से आपको अपना मैनेजमेंट करनी पड़ेगी वाटर की। और यानी कि हमारा अगर हम 10 पेड़ के लिए हम 1 kg लेते हैं तो वो हमारा कम से कम एक साल से ज्यादा निकालेगा, डेढ़ साल निकाल देगा, डेढ़ साल, जिसने प्लांट के बढ़ता भी रहेगा तो हमें जैसे बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी हमें इसे आधा लीटर देना है, जैसे 6 महीने बाद इसकी 1 लीटर होगी, 1 लीटर होगा, फिर जैसे 2-3 जैसे इतना बड़ा प्लांट हो गया तो इसमें 1.5 लीटर लगेगा, और जैसे साल के प्लांट को हमारा 2 लीटर एक्चुअली वो वही है सॉइल के ऊपर है, अगर मॉइस्चर ग्रोथ पर है, ग्रोथ और मॉइस्चर के ऊपर। तो मुझे लगता है यानी इसका जो खर्चा साल का एक पौधे का कितना आएगा? देखिए जो मैंने कैलकुलेट किया था जैसे अपने जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो मेरे इसमें आ रहा स्टार्टिंग में 30 रुपीज से लेकर जो फुली जब मैच्योर हो जाएंगे प्लांट तो मतलब कि पर ईयर का बता रहा हूँ 30 रुपए से लेकर 90 से 100 रुपए खर्चा आएगा पर प्लांट का फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर का जो इसका प्लांट है दोस्तों ये अलग अलग रेट के हैं, जो छोटा है वो उसका अलग रेट है, जो ऐसे प्लांट है उसका अलग रेट है, वो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, आपको ये पूरा बता देंगे कि। और इनकी जो सप्लाई है दोस्तों पूरे भारत में है, और गुजरात इनके प्लांट शायद इसी हफ्ते या वहाँ लगभग 3000 प्लांट एक जा रहे हैं और दूसरा एक और जगह भी जा रहे हैं आपके। हाँ जी, हाँ जी, उधर भी जा रहे हैं, बेंगलोर में है। यानी इनके प्लांट जो है काफी बुकिंग हो चुकी है, और इसका जो डिमांड होने के कारण मुख्य है इनके जो पौधे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वायरस फ्री हैं, और इन्होंने इस पर काम बहुत अच्छे स्केल पर काम करना शुरू कर दिया है,
और ये लगभग कितने सालों से आप कर रहे हैं इसे? सर अगर मैं शुरुआत की अगर बात करूँ तो 3 साल से, मतलब हमारा ये 3 साल पहले मतलब हम इंट्रोड्यूस हुए ब्लूबेरी के साथ, तो फिर पिछले साल हमारे को प्लांट मिले, तो फिर 1 साल थोड़ा वो क्वारंटीन ये वो मतलब काफी जो पेपर वर्क रहता है उसमें थे हम थोड़े बिजी, तो इसी साल जैसे ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लांटेशन ये मैंने करी थी मार्च और अप्रैल में, तो आप ग्रोथ इस साल करिए ये, तो आप ये ग्रोथ देख सकते हैं इनकी कितनी हो गई है, लगभग 3-3.5-4 फुट भी कई प्लांट जा चुके हैं, सारे बिल्कुल डिजीजेस फ्री प्लांट है ये। अच्छी जानकारी दी, और मैं तो पौधे ले जा रहा हूँ आज, और इसके जो है छोटा पौधा है उसका अलग रेट है, बड़ा पौधा है यानी इनका रेट जो है सबका अलग अलग है। किसी भाई को भी चाहिए तो आप ज़रूर इन्हें फ़ोन करें, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर भेज रहा हूँ और वहाँ से आपको नंबर इनका मिल जाएगा और आपको ये कुरियर के थ्रू आपके घर ये पौधे मिल जाएंगे। कुरियर चार्ज आपका अलग से देना पड़ेगा, और इसके साथ आपका कोकोपीट हो गया, जो इनका सॉइल तैयार की हुई है या खाद है वो भी आपको डाक द्वारा या आपको कुरियर द्वारा आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।